राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभय वीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर जाने के मुख्यतम मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ के सबसे नए निर्माण कार्यों एवं अलौकिक परिदृश्य के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। सामने आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि पथ का सबसे नवीनतम परिदृश्य है और यहाँ पर प्रवेश द्वारों की जो आभा है वह अद्भुत एवं दिव्यतम प्रतीत हो रही है। ये देखिए रामरथ का यहाँ से संचालन हो रहा है। रामरथ का देखिए यहाँ पर रामरथ तथा सिटी बस देखिए संचालन होता है। एयरपोर्ट से आपको सीधे सिटी बस राम जन्मभूमि के लिए मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का यात्री सुविधा केंद्र है और यहाँ पर आप अपने सभी पास बनवा सकते हैं। देखिए तीर्थयात्री सुविधा केंद्र भी ये निर्माणाधीन है, इसको और भी अधिक भव्य आकार दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मुख्य बोर्ड रामपथ मार्ग पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का बोर्ड लगा है। बस इसी मार्ग से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रामलला के दिव्यतम दर्शन प्राप्त होंगे। देखिए मुख्य प्रवेश द्वार कितना खूबसूरत है। देखिए यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है। देखिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, क्यों भैया किसकी तरफ से है ये निःशुल्क भोजन? हाँ सुग्रीव किला, अच्छा श्री राम चिकित्सालय की तरफ से, अच्छा वृंदावन चंदोदय मंदिर की तरफ से जो है, इस्कान मंदिर की तरफ से। यहाँ पर देखिए निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जा रही है, काफ़ी दिव्यतम है ये। इसमें दाल और सब्जी है। देखिए हर तबके के लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं। और ये इस्कान मंदिर की तरफ से अयोध्या में लगभग सभी इस प्रकार से बंद हो चुके हैं। और देखिए इसमें सबसे पहले चावल है, भुरभुरे चावल हैं, खिले हुए चावल, और साथ में सब्जी भी दी जा रही है, ये देख सकते हैं। बस देखिए सब्जी है और चावल है बस। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवाइडर की धुलाई चल रही है। ये देखिए स्प्रे मशीनों के द्वारा यहाँ पर धुलाई चल रही है। देखिए आप देख सकते हैं कि अयोध्या की सड़कों को धोया जा रहा है और यहाँ पर डिवाइडर में जो भी गंदगी है वो हटाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, अद्भुत है। और देखिए इधर ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, आप यहाँ निःशुल्क भोजन भी कर सकते हैं श्री राम अस्पताल के ठीक सामने। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, देखिए वहाँ से वहाँ तक सड़कों की धुलाई हो चुकी है डिवाइडर की।
और अयोध्या में इस प्रकार की अद्भुत व्यवस्था आपको पहली बार देखने को मिलेगी कि जिस प्रकार से ये राम जन्मभूमि का राम मंदिर दर्शन मार्ग है और इसके ठीक बाईं ओर जो है जन्मभूमि पर का मुख्य गेट है और वहीं पर जो है उसके ठीक बगल में ही यहाँ पर सफाई कार्य चल रहा है। और देखिए मार्ग लगभग 13 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे मार्ग की सफाई इसी प्रकार से की जा रही है। देखिए हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मशीनें लगी हैं, टैंकर है और 60 लीटर के टैंकर में इसमें हजारों लीटर पानी है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। आप निःशुल्क भोजन श्री राम अस्पताल का जो मुख्य गेट है देखिए वहाँ दिख रहा होगा श्री राम अस्पताल, इसके ठीक बगल में ही आपको नारायण सेवा संस्थान यानी इस्कान मंदिर के द्वारा यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था प्राप्त होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ के आज ट्रैक्टर के माध्यम से धुलाई कार्य हो रहे हैं और संपूर्ण अयोध्या की सड़कों को चमकाया जा रहा है। दीपोत्सव परिक्रमा के बाद नगर निगम की सक्रियता प्रशंसनीय है और ऐसे ही मार्ग आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए श्रीराम जन्मभूमि का देखिए गेट भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बिल्कुल राम मंदिर का रास्ता इसी प्रकार से। और देखिए देखिए यहाँ वहाँ वाशिंग मशीनें भी हैं जो कि मार्गों को साफ करती हैं और इलेक्ट्रिक बस की सुविधाएं भी यहाँ से। अब मार्ग के दूसरी ओर देखिए और अयोध्या को एक विश्व पर्यटन नगरी बनाने के लिए यहाँ के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उनको देखना दिखाना आवश्यक है, इससे ही अयोध्या अपना ध्यान आकर्षण कर सकेगा और एक विश्व एक राष्ट्र मंदिर की जो संकल्पना है उसको साकार सिद्ध होते ही अयोध्या में पर्यटन काफ़ी अधिक बढ़ेगा। जैसे वाराणसी में पर्यटन का विकास हुआ है वैसे ही पर्यटन का विकास अयोध्या में भी होगा। और इस मार्ग पर कई आपको होटल धर्मशालाएं मिल जाएंगी, लॉज मिल जाएंगे, फूडिंग प्लाजा मिल जाएंगे जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। देखिए निःशुल्क पेयजल की भी व्यवस्था है यहाँ पर निर्माण कार्यों के साथ। देखिए निःशुल्क पेयजल की भी यहाँ पर व्यवस्था है इस मार्ग पर, यानी तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए हर प्रकार के उपाय किए गए हैं।
पूरा रामपथ साफ होगा इससे, पूरा रामपथ मार्ग पूरा साफ करेंगे आप। और कितने दिन से लगा है काम, उधर साफ हो गया पूरा? नगर निगम से चलिए भैया जैसे ये आप देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो ट्रकें लगी हैं, देखिए सफाई कार्य हो रहा है। सड़कों की सफाई के लिए सफाई व्यवस्था, सड़कों की सफाई के लिए ये नगर निगम की ट्रक आई है और अभी भी मार्गों की सफाई चल रही है, ये आप देख सकते हैं।